एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी बोले, मोदी की एक ही जाति है वो है गरीब। देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर तरफ के कानून बनाकर हमने भ्रष्टाचारियों का जीना मुश्किल कर दिया है। जनता ने महामिलावट को निकालने की ठान ली है। ये लोग दिल्ली में सिर्फ इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं ताकि उनके परिवार और उनके गरीबियों को फिर से लूट खसोट करने का लाइसेंस मिल सके। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग मोदी की जाति जानना चाहते हैं, वे लोग सुन ले कि मोदी एक ही जाति का है, गरीब। गरीब से ही निकलकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आतंक से निपटना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है। 20 सीटों पर लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो गली के गुंडे तक पर लगाम नहीं लगा पाते, आतंकवाद पर क्या लगाम लगाएंगे। पीएम मोदी बोले कि इन्होंने तो आपकी चीनी मिलों को भी नहीं छोड़ा था, आपका गन्ना खेत में खड़ा रहा। बहन जी की समाजवादी पार्टी ने चीनी मिल के नाम पर खुद करोड़ों का खेल कर दिया। तब तो बबुआ भी बुआ के उस घोटाले की जांच कराने के ऐलान करके गए थे, लेकिन क्या हुआ, बुआ और बबुआ ने आज खुद हाथ मिला लिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, कांग्रेस 40 सीटें जीतती तो मोदी लगाएंगे फांसी। लोकतंत्र का महापर्व बीतने से पहले ही जीत के लिए बार पलटवार की गंदी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के गद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा बयान दे डाला जो विवादित होने की वजह से सुर्खियों में है। खड़गे ने एक चुनावी सभा में कहा कि अगर हमें 40 से ज्यादा सीटें मिल गई तो क्या मोदी दिल्ली के विजय चौक में फांसी लगा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा में 40 सीट भी नहीं मिलेगी। क्या आप में से कोई भी इसे मानता है? अगर हमें 40 से ज्यादा सीटें मिल गई तो क्या मोदी दिल्ली के विजय चौक में फांसी लगा लेंगे? अब इसे कांग्रेस की खींच कहे या हार के डर की हताश, चुनाव अभी पूरा बीता नहीं और पार्टी के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को 40 सीट जीतने का दावा कर पीएम पर विवादित बयान दे डाला। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।